Hello students, so welcome to the Pharmacy India channel. So today in this video we are going to study about the pharmaceutical aerosols. So before starting, I just share some words with you that I'm just going to explain this video in both the languages, that is Hindi and English, because some South students having the problem in Hindi, they are not understanding the Hindi language. So I just give my best to make you understand. You can also download the Pharmacy India mobile app from the Google Play Store. There you will get GPAC, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist and many more subject wise test series. Link is given in the description. So, आज बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में एंड फार्मास्यूटिकल्स एरोसोल्स क्या होते हैं. सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि जो नॉर्मल एरोसोल्स होते हैं आजकल बड़ा ही कॉमन हो गया है, जैसे मैं बात करूं आपके डिओड्रेंट्स की, काफी कंपनीज के डिओड्रेंट्स आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, सो वो तो आता है नॉर्मल एरोसोल्स की कैटेगरी में. पर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स क्या होते हैं एक्चुअली? फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स जिसमें एपीआई हो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो, जिसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू हो और मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो. ठीक है, बात करूं आपके मूव की, वॉलिनी की, बहुत सारे जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें हम एरोसोल्स यूज करते हैं, वो हो गए फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स. सो इसमें आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, एरोसोल होता क्या है और कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स, और साथ ही साथ बात करूंगा आपके जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट में क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है और जा सकता है. सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि एरोसोल्स आपका होता क्या है. एरोसोल इज योर प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर थेरेप्यूटिक एक्टिव इंग्रीडियंट्स विच अपन एक्चुएशन एमिट अ फाइन डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स इन अ गैसियस मीडियम. एरोसोल आपका एक प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म रहता है, मींस जब आप, दिस इज योर एक्चुएटर, याद रखिएगा दिस इज योर एक्चुएटर, व्हेन यू विल प्रेस दिस एक्चुएटर देन देयर इज अ एक्सपल्शन ऑफ फाइन मिस्ट और डिस्पर्जन और लिक्विड, लिक्विड केम आउट फ्रॉम द कंटेनर. ठीक है, दिस इज द एक्चुएशन. सो यहां पे बात हुई थी एक्चुएशन की, सो एक्चुएशन मींस टू प्रेस द एक्चुएटर, दिस इज योर एक्चुएटर. आगे भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस चीज को. नाउ अब बात करें फार्मास्यूटिकल एरोसोल की, फार्मास्यूटिकल एरोसोल क्या होता है देखते हैं. फार्मास्यूटिकल एरोसोल इज डिफाइंड एज एरोसोल प्रोडक्ट कंटेनिंग एक्टिव इंग्रीडियंट dissolved, suspended, emulsified in a propellant or a mixture of solvent and propellant and intended to for oral topical administration or for administration into the eye, nose, ear, rectum and vagina. Pharmaceutical aerosol define किया गया है कि उसके अंदर active ingredient होगा, या तो उसको dissolve किया गया होगा या suspend किया गया होगा in a suspension form या emulsify किया गया होगा in a emulsion form with a propellant. Propellant एक आपका gaseous substance होता है जो pressure को maintain करता है आपके aerosol के अंदर. ठीक है, उसके साथ mix किया गया होगा. ठीक है, इट इज जो मेनली आपका प्रोपेलेंट होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द प्रॉपर प्रेशर विद इन द कंटेनर. ठीक है, नाउ बात करेंगे सबसे पहला एरोसोल, द फर्स्ट एरोसोल केम इन विच ईयर, लेट्स डिस्कस. इन 1942 फर्स्ट एरोसोल वॉज डेवलप्ड, दैट इज ऑफ इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड, वॉट इज द इंसेक्टिसाइड विच किल द इंसेक्ट्स. इन 1950 pharmaceutical aerosol for topical administration was developed. Topical means jo those substance which can be applied topically, means on skin, not systemically. In 1955 aerosols for the local activity in the respiratory tract was developed, that is of epinephrine. Theek hai, ye tha history. Ab baat karenge advantages and disadvantages ki कि
फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं उसको यूज करने के, और क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले बात करें एडवांटेजेस की। इजीली विथड्रॉन ऑफ ड्रग, दिस इज योर स्प्रे और फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स एंड दिस इज योर एक्चुएटर। व्हेन यू विल जस्ट प्रेस दिस, आप जब इसको प्रेस करेंगे सो आपका मेडिकेशन आराम से आ जाएगा। सो दिस इज शोइंग दैट इजिली विदड्रॉन, आराम से निकल जाएगा। इजी एंड कन्वीनियंट टू अप्लाई, बहुत इजिली जैसे आप मूव अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे, बहुत इजिली कर लेते हैं। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी एक्शन शो करने देखने को मिलता है। नो मैनुअल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेडिकामेंट, मेडिकामेंट के में आप ज़्यादा मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते क्योंकि वो कंटेनर के अंदर है ना, तो वो कैप के थ्रू खुलता है तो मेडिकामेंट हमेशा उसके अंदर ही रहेगा, आप उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब हम सिस्टमेटिकली दे ही नहीं रहे हैं, हम लोकली दे रहे हैं, तो वो अवॉइड कर देगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज और ड्रग कैन बी रिमूव्ड, मींस एरोसोल्स में मीटर्ड वॉल्व्स आती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि अगर हमें इतनी ड्रग लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उतनी ड्रग ही लेते हैं। सो इसमें बताया गया ना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग हम दे सकते हैं, डोज दे सकते हैं। नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर, पूरा टाइटली क्लोज कंटेनर है तो ऑर्गेनिज्म का चांस ही नहीं कि उसके अंदर कंटेमिनेशन हो या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जाए। रिलीज द कंटेंट इन कंट्रोल्ड एंड यूनिफॉर्मली ड्यू टू दी प्रोपेलेंट, जो प्रोपेलेंट्स होता है वो एक मेंटेन करके रखता है प्रेशर एरोसोल के अंदर, कंटेनर के अंदर, सो एक यूनिफॉर्मली उसका मिस्ट आता है। कभी आपने देखा है डिओड्रेंट जो आप अगर एक बार एक्चुएटर प्रेस किया तो उसमें से जो मिस्ट निकलता है, जो डिस्पर्शन निकलता है, वो कभी ब्रेक नहीं होता, वो इकट्ठा जब तक आप एक्चुएटर प्रेस करके रखते हैं वो तब तक निकलता है। प्रोटेक्ट दी फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट्स एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल। नाउ प्रोवाइड्स एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, इरिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड। नाउ डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, यस एक डिसएडवांटेज हो सकता है कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। डिफिकल्ट डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी एरोसोल कंटेनर्स, एलर्जिक इन सम केसेस, एक्सप्लोजिव बिकॉज ऑफ द प्रोपेलेंट। आपने कभी देखा होगा, अगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप कभी भी फ्लेम के टच में जा रहे हैं अपने एरोसोल को लेकर तो फ्लेम कैच कर लेता है। नाउ बात करें सम फॉर्मुलेशन इज डिफिकल्ट, यस sometimes propellant may cause toxic reaction, जो propellant use करते हैं हम किसी pharmaceutical aerosol में तो वो reaction cause कर सकता है आपकी skin के लिए, क्या अगर आपने wounded part पे लगा दिया तो वो reaction कर सकता है। तो ये था advantages and disadvantages। बात करेंगे desired characteristics की, particular pharmaceutical aerosol में क्या क्या characteristics होना चाहिए। less explosive, constant delivery, non allergic, low cost, easy to handle, इको फ्रेंडली, मीन्स जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसकी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल की, बहुत इंपॉर्टेंट, जीपैट में पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन कंपोनेंट्स के रोल्स के बारे में। सबसे पहले बात करें प्रोपेलेंट की। अगर मैं आपको प्रोपेलेंट एक नॉर्मल लेमन की लैंग्वेज में समझाऊं, दैट दिस इज द हार्ट ऑफ द एरोसोल, ये एक दिल है एरोसोल का। अगर प्रोपेलेंट नहीं होगा तो आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो इजीली एक्सपेल्ड आउट नहीं होगा। दिस इज योर प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट जब तक प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा तो आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बाहर नहीं निकल के आ सकता क्योंकि वो प्रेशर मेंटेन करता है। कंटेनर, कंटेनर का बात करेंगे, दिस इज योर कंटेनर। वॉल्व एंड एक्चुएटर, वॉल्व एंड एक्चुएटर की बात करें, ये आपका एक्चुएटर है, यहाँ पे आपका होल होता है। आप अगर कोई एरोसोल की बात करें, जब इसको आप प्रेस करते हैं बाय योर फिंगर तो यहाँ से मिस्ट निकलता है, ये आपका जो मटेरियल निकलता है, डिस्पर्शन निकलता है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्क्रीट, प्रोडक्ट कॉन्क्रीट की बात करें, कंसनट्रेट की बात करें, ये आपका मेनली API कंटेन करता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसी के अंदर आपका जो हम मेनली ड्रग यूज करते हैं, हम जो देना चाहते हैं एरोसोल के थ्रू वो हम इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअली देखेंगे, सबसे पहले प्रोपेलेंट को देखते हैं कि प्रोपेलेंट होता क्या है ना।
व्हाट इज प्रोपेलेंट, क्या रोल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए समझ लेते हैं। दैट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर प्रेशर विद इन द कंटेनर, दिस इज योर फार्मास्यूटिकल एरोसोल, ओके, एंड दिस इज योर एक्चुएटर। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर विद इन द कंटेनर, प्रोवाइड ड्राइविंग फोर्स टू एक्सपेल द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर, मीन्स ये क्या करता है, ये एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है किस लिए, कि जिससे कि आपका प्रोडक्ट निकल पाए आपके कंटेनर से, ठीक है, इजीली। तो ये प्रोपेलेंट की वजह से ही होता है मेनली। आप जब भी आप अपना कोई डिओड्रेंट अगर यूज कर रहे हैं तो उससे जो फोम निकल रहा है, जो आपका शेविंग फोम, तो वो किस वजह से निकलता है, वो प्रोपेलेंट की, जब प्रोपेलेंट प्रेशर बनाता है तभी वो मटेरियल आपका बाहर निकलता है, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट, लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स और कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स, ठीक है। बात करेंगे इंडिविजुअली क्या क्या है उनके रोल्स की। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट में बात की थी मैंने। नाउ डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट, नाइपर, डीआई एंड फार्मासिस्ट के लिए कहां से इंपॉर्टेंट होने वाला है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट टाइप वन प्रोपेलेंट, दैट इज योर लिक्विफाइड गैस, फॉर ओरल एंड इनहेलेशनल दैट इज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन कौन से हैं, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, दैट इज योर प्रोपेलेंट 11, पूछा जा सकता है जीपैट में। चलिए मैं इनको भी नेक्स्ट एक वीडियो में बनाऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोपेलेंट्स की, सो उसमें हम बात करेंगे कि प्रोपेलेंट 11 कैसे हुआ और इसको कैसे नेम दिया गया, ठीक है। अभी याद कर लेते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज योर प्रोपेलेंट 12। टॉपिकल फार्मास्यूटिकल एरोसोल की बात करें, हाइड्रोकार्बन जो टॉपिकली यूज कर सकते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन, और टाइप 2 की प्रोपेलेंट बी दैट इज कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स, एग्जाम्पल है कंपाउंड गैसेस का नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट्स, हमने इनको लिक्विफाइड क्यों बोला, क्यों इनको हमने कंप्रेस्ड की कैटेगरी में नहीं डाला, वो भी देखने वाले हैं। चलिए लिक्विफाइड क्यों बोलते हैं, लिक्विफाइड गैसेस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में रहेंगी और एटमोस्फेरिक प्रेशर में भी वो गैसियस फॉर्म में रहेगी, बट वो लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम उसका कोई टेम्परेचर गिराएंगे या इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, ठीक है, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट गेट्स लिक्विफाइड, इसलिए हमने इसको लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट बोला। एक और पॉइंट देख लेते हैं, बिकॉज द एरोसोल इज अंडर प्रेशर प्रोपेलेंट एग्जिस्ट मेनली एज अ लिक्विड बट इट विल ऑल्सो बी इन द हेड स्पेस एज अ गैस। नेक्स्ट द प्रोडक्ट इज यूज अप एज द वॉल्व इज ओपन, सम ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट टर्न्स टू गैस एंड दस कीप्स द हेड स्पेस फुल ऑफ गैस। नाउ in this way the pressure in the can remains essentially constant and spray performance is maintained, isi ki wajah se jo aapne dekha hoga ki constant aapke aerosol se aur deodorant se jo bhi aapka normal hai usse constant dispersion nikalta hai by pressing the actuator। baat kare chlorofluorocarbons ki, chlorofluorocarbons are the choice for oral and inhalational, जो भी ओरल और इनहेलेशनल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स बनते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन चॉइस में रखा जाता है, प्रायोरिटी में रखा जाता है कि हम सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही यूज करेंगे फॉर ओरल एंड इनहेलेशनल रूट। एडवांटेजेस देख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, केमिकल इनर्टनेस, लैक ऑफ टॉक्सिसिटी, नॉन फ्लेमेबिलिटी एंड लैक ऑफ एक्सप्लोसिवनेस। डिसएडवांटेजेस की बात करें, कॉस्ट हाई है, इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, CFC याद रखिएगा, हमने 12th में भी पढ़ा है CFC depletes your ozone layer, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं CFC के, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन इज योर प्रोपेलेंट 11, जीपैट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आप याद कर लीजिए पर मैं आपको इजी ट्रिक बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज योर प्रोपेलेंट 12 एंड डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन इज योर प्रोपेलेंट 114, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नाउ
बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स कैन बी यूज फॉर वाटर बेस्ड एरोसोल्स एंड टॉपिकल यूज। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं? इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इट डज नॉट कॉज ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, सीएफसी की तरह नहीं है। इनफ्लामेबल, अननोन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड। टॉक्सिसिटी हो जाती है कोई अननोन, पता नहीं लगा पाते हम उसकी वजह से। एग्जाम्पल है प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेलेंट A108, प्रोपेलेंट A31, प्रोपेलेंट A17। कैसे पूछा जा सकता है आपसे? पूछा जा सकता है कि प्रोपेलेंट A108 का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो जीपैट, नाइपर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन योर माइंड्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एट द सेम टाइम फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। नाउ कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स, लिक्विफाइड क्यों नहीं बोला गया हमें कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स को, चलिए देख लेते हैं। कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स ऑक्यूपाई द हेड स्पेस अबाउ द लिक्विड इन द कैन। क्या बोला गया है? कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट जो होता है वो हेड स्पेस करता है, ऑक्यूपाई अबाउ लिक्विड, मींस दिस इज योर, जस्ट टेल मी, आई एम गोइंग, दिस इज योर कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट, मींस इसका ये बोला गया है कि जो ऊपर की जगह है ये ऑक्यूपाई करता है कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट। ठीक है, लिक्विड नीचे रहता है और कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट ऊपर रहता है। When the aerosol valve is opened, the gas pushes the liquid out of the can. कैसे करता है? ये जाता है नीचे, प्रेशर बनाता है इस तरफ, और तो फिर ये डिप ट्यूब के थ्रू कंटेंट निकलना शुरू होता है जब हम प्रेस करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो यहां से एक्सपेल आउट होता है। द अमाउंट ऑफ गैस इन द हेड स्पेस रिमेन्स द सेम बट इट हैज मोर स्पेस एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर विल ड्रॉप डाउन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कैन। प्रेशर घटने लगता है धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है। स्प्रे परफॉर्मेंस इज मेंटेन्ड, हाउएवर बी केयरफुल चॉइस ऑफ द एरोसोल वाल्व एंड एक्चुएटर। आई होप आपको कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स का समझ में आ गया है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज द एग्जांपल ऑफ द कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं कंटेनर्स की। कंटेनर्स, कौन सा कंटेनर सूटेबल है? हम नॉर्मल आयरन यूज नहीं कर सकते फॉर मेकिंग दी फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, और आपने देखा होगा वो बिल्कुल ही अलग होता है। आपने बहुत सारी डिओड्रेंट्स देखे हैं, आपने बहुत सारे वो देखे हैं, परफ्यूम्स देखे हैं, वो नॉर्मली ग्लास में आते हैं, ग्लास होता है, एल्यूमिनियम होता है, तो उन्हीं के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी में बात करने वाले हैं। दिस इज द स्टार मार्क क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूछ लिया जाता है जो आप यूज करते हैं कंटेनर, वो कितना प्रेशर विदस्टैंड कर सकते हैं, कितना प्रेशर झेल सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। दे मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड प्रेशर एज द हाई एज 140 to 180 psig। याद रखिएगा, psig पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गॉज एट 135-130 degree फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जाएगा आपके मॉक टेस्ट में, जब आप देंगे फार्मेसी इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन पे देंगे तो टेस्ट ही आपसे पूछा जाएगा फार्मास्यूटिक्स में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए भी। नाउ एरोसोल कंटेनर्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, सबसे पहले टिन प्लेटेड स्टील, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे टिन प्लेटेड स्टील, साइड सीम 3 पीस हो सकता है, 2 पीस हो सकता है, टिन फ्री स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, 2 पीस 1 पीस, स्टेनलेस स्टील, ये था मेटल के केस में। नाउ ग्लास की बात करें, अनकोटेड और प्लास्टिक कोटेड। अनकोटेड मींस विदाउट एनी कोटेड कोटिंग, एंड प्लास्टिक कोटेड मींस कुछ कोट किया जाएगा, इपॉक्सी विनाइल रेजिंस की कोट की जाएगी जिससे वो कोरोड ना हो पाए। ठीक है, कंटेनर्स की इंडिविजुअली बात करेंगे, टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर की, सबसे पहले दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ शीट ऑफ स्टील प्लेट, एक स्टील प्लेट होती है और जो कोट की जाती है टिन से बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये पूछा जा सकता है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कोट द टिन प्लेट।
ठीक है, तो आप ये बताने वाले हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, द कोटेड शीट इज कट इनटू थ्री पीसेस, टॉप बॉटम एंड बॉडी। जो टिन प्लेट है, आप याद रखिएगा, आपका जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल होता है, ये आपका बॉटम हुआ, ये आपका बीच का बॉडी हुआ, ये टॉप हुआ, तो ये तीन पार्ट में काटा जाता है। और जो टॉप है और जो बॉटम है, बॉडी से अटैच किया जाता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग इज टाइप ऑफ वेल्डिंग। जो आपका टॉप पोर्शन है, याद रखिए, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर बॉटम पोर्शन। सो जो ये अटैच किया जाता है इससे और इससे, बॉडी से, सो ये सोल्डरिंग के थ्रू किया जाता है। एक वेल्डिंग मशीन होती है और अटैच किया जाता है सोल्डरिंग के थ्रू। व्हेन रिक्वायर्ड इट इज कोटेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यूजुअली ओलियोरेजिन, फिनोलिक, विनाइल और इपॉक्सी कोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कि कोटिंग किससे की जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेल्डिंग एलिमिनेट सोल्डरिंग प्रोसेस। जो वेल्डिंग होता है वो सोल्डरिंग को हटा देता है। सोल्डरिंग एक अलग प्रोसेस है वेल्डिंग से। क्यों वेल्डिंग क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो टाइम को बचा लेता है, ठीक है। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट इन वेल्डिंग इंक्लूड सुड्रोनिक सिस्टम एंड कोनो वेल्ड सिस्टम। अब सुड्रोनिक सिस्टम क्या है, ये एक तरह का डेवलपमेंट किया गया है वेल्डिंग सिस्टम में। सुड्रोनिक सिस्टम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुड्रोनिक सिस्टम एंड कोन वेल्ड सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड रेजिस्टेंट वेल्डिंग है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इसको वेल्ड कर सकते हैं। और ये कोनो वेल्ड जो है, इट पासिस द फोल्डेड बॉडी थ्रू टू रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स। जो हमारी एरोसोल के कंटेनर है वो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जाता है और वो उसको अटैच कर देता है बॉडी से, ठीक है। ये नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है यहां से। नाउ एल्यूमिनियम कंटेनर की बात करें, एल्यूमिनियम कंटेनर की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, जो नॉर्मली हम इनहेलेशनल और टॉपिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं, वो उस एल्यूमिनियम कंटेनर वहां पर यूज हो सकता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय इंपैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस, लाइट इन वेट, लेस फ्रेजाइल, लेस इनकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू इट्स सीमलेस नेचर, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, प्योर वाटर एंड प्योर एथेनॉल कॉज कोरोजन टू एल्यूमिनियम कंटेनर। ये बात याद रखने वाली है, पूछा जा सकता है कि जो एल्यूमिनियम है उसमें कोरोजन किसकी वजह से हो सकता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेलेंट 11 इन एन एल्यूमिनियम कंटेनर। अगर उसमें इथेनॉल हुआ और प्रोपेलेंट 11 हुआ तो दिक्कत आ सकती है। क्या आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, बहुत एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एसिटाइल क्लोराइड बन सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है इसका रिएक्शन से, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन सकता है, प्रोपेलेंट 21 एंड अदर कोरोसिव प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट में इशू हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। नाउ बात करेंगे स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स की, that these containers are limited to the smaller size owing to production problem as well as cost. नहीं use करते हैं stainless steel containers क्योंकि issues रहते हैं काफ़ी इसके material के साथ में, बस inhalational aerosols के में use करते हैं mainly हम इनको। Advantages क्या है, extremely strong, resistant to many materials, no need for internal coating, coating करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट डिसएडवांटेज अगेन कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो अल्टीमेटली मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। नाउ ग्लास कंटेनर की बात करें, ग्लास कंटेनर का एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, मैंने देखा था कोटेड एंड अनकोटेड। चलिए, दीज कंटेनर्स आर प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज। ग्लास जो हम प्रिफर करते हैं उसमें नॉर्मली इनकम्पैटिबिलिटीज के चांसेस, जो कंपैटिबिलिटीज होती हैं उसके चांसेस कम होते हैं। मीन्स कोई कोरोसिव प्रोडक्ट नहीं बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो उसका चांसेस कम होता है, इसलिए हम ग्लास ज़्यादा प्रिफर करते हैं। दीज कंटेनर्स आर लिमिटेड टू द प्रोडक्ट्स हैविंग लोअर प्रेशर 33 PSIG एंड लोअर परसेंटेज ऑफ द प्रोपेलेंट। मेनली आपने देखा होगा जो नॉर्मली हम परफ्यूम्स होते हैं उसमें उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, ग्लास को तब यूज़ किया जाता है जिसका प्रेशर 33 PSIG के आसपास हो और जिसमें प्रोपेलेंट की क्वांटिटी कम यूज़ की गई हो, ठीक है। यूज फॉर टॉपिकल एंड MDI एरोसोल्स, टॉपिकली एरोसोल्स टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। मेनली टू टाइप्स के ग्लास बताए थे मैंने, अनकोटेड, प्लास्टिक कोटेड। अनकोटेड से समझ रहे हैं कोई कोट नहीं रहेगा, लेस कॉस्ट,
हाई क्लैरिटी एंड कंटेंट्स कैन बी व्यूड एट ऑल टाइम्स। आपने देखा है ना, ट्रांसपेरेंट तो उसके अंदर लिक्विड दिखता है, तो इस तरीके का इसमें बोला गया है। प्लास्टिक कोटेड, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय प्लास्टिक कोटिंग दैट प्रिवेंट्स द ग्लास फ्रॉम शेटरिंग इन द इवेंट ऑफ ब्रेकेज। ठीक है, आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही है। नाउ वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या है एक्चुअली बात करेंगे। वॉल्व्स आर दी substances which are capable to delivering the content in the desired form such as spray, foam, solid stream etc. Valves are the substances, समझिएगा इस चीज को, बहुत important है कि जितनी हमें desired quantity, हमें required quantity जितना चाहिए वो हमें valves के through मिलता है। ठीक है, easy to open and close, it can deliver a given amount of medicament, means आप मैं अगर आपको एक layman की language में बताऊं, if I am talking about the layman, that when the doctor prescribes that you have to take one spoon suspension or emulsion, so you will just have a one teaspoon, but with the help of valves and aerosols, valves is the responsible for giving your desired quantity। ठीक है, मटेरियल्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्व्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द FDA। जो मटेरियल्स यूज होते हैं वॉल्व्स में वो FDA से अप्रूव्ड होने चाहिए। दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व्स एंड मीटरिंग वॉल्व्स। याद, अब वॉल्व्स के कंपोनेंट्स देखें, ये है आपका वॉल्व असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आपका नॉर्मली एरोसोल्स है, मैं आपको अभी वॉल्व असेंबली बता रहा हूं, ये आपका पूरा वॉल्व असेंबली है, इसको हम पूरा वॉल्व असेंबली बोलेंगे। ठीक है, नाउ कैसे समझेंगे, दिस इज योर एक्चुएटर, ये अपर पोर्शन है तो ये आपका एक्चुएटर है। आई जस्ट गिव माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज योर एक्चुएटर। ठीक है, एंड ये यहाँ पे हॉल है। ठीक है, अब ये बात की गई है आपके पूरे इस सिस्टम की, यहां तक के सिस्टम की पूरी बात बताइए। अगर मैं इसका डाइसेक्शन कर दूं यहां से, तो ये सारी चीजें ये खुल के आ जाएंगी ना। माउंटिंग कैप, माउंटिंग कैप कैसे, ये माउंटिंग कैप हो गई आपकी। ठीक है, ये आपका फेराइल हो जाता है, ये FERUL फेरूल हो जाता है, इसकी भी डिटेल में बात करेंगे हम। स्टेम, स्टेम क्या है, स्टेम देखिए, दिस इज योर एरोसोल एंड दिस इज या एक्चुएटर, सो ये जो पाइप है इसको हम स्टेम बोलेंगे। सो ये स्टेम ऐसे है, सो ये स्टेम यहां पे इसके अंदर जाएगा और इसको कनेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, नाउ गैस, स्टेम गैस्केट, ये गैस्केट है, फिर ये इसके अंदर सेट होगा, ये जो है ये यहां पे जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट स्प्रिंग, ये स्प्रिंग इसके नीचे लगेगा एंड नाउ द बॉडी कनेक्ट टू द स्प्रिंग। ठीक है, ये प्रॉपरली ये पूरा वॉल्व असेंबली है। After that, ये जो dip tube है ये यहाँ पे connect होगी, आपने देखा है ना, this is your, again I am making, now this is the your, this is a pharmaceutical aerosol और aerosol container है ये, so ये है valve assembly, ये जितना ऊपर का portion है और जितना ये, जितना इस यहाँ पे use होता है spring वगैरह, जैसे आपने जब आप इसको press करते हैं तो आप feel करते हैं ना, वो जो actuator है वो अपने आप ऊपर हो जाता है, ये स्प्रिंग की वजह से होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो डिप ट्यूब है, आपने नॉर्मल सैलून पे देखा होगा ये पाइप लगा रहता है उसमें बॉटल में, तो ये है, ये आपका डिप ट्यूब है। ठीक है, जो हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को बाहर लाने में। ना वॉल्व असेंबली क्लियर हो गया है, बात करते हैं कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व की। एन एरोसोल वॉल्व कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि बात किया कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व में भी सेम ही है। ना फेराइल और माउंटिंग कैप क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ये आपका फेराउल होता है, फेरूल होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे इस तरीके का आपका उसमें फेरूल होता है, एक मोटा सा, एंड दिस इज द एक्चुएटर, सो ये फेरूल होता है। अटैच वॉल्व टू द कंटेनर, कंटेनर से अटैच रहता है ना ये चीज यहाँ पे। मेड फ्रॉम टिन, प्लेटेड स्टील, एल्यूमिनियम एंड ब्रास, अंडर साइड ऑफ द वॉल्व कप इज कोटेड विद सिंगल डबल इपॉक्सी और विनाइल रेजिन्स, कैन बी एडेड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्व बॉडी और हाउसिंग की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ नाइलॉन और डर्लिन एंड कंटेन्स एन ओपनिंग एट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब दैट इज 0.013। ये पूछा जा सकता है डिप ट्यूब, देखिए
क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि आपका जो मटेरियल है किस मटेरियल से बना हुआ है, डिप ट्यूब आपका किस मटेरियल से बना हुआ है, नायलॉन, और तो ये पूछा जा सकता है। नाउ स्टेम की बात करें, मेड ऑफ नायलॉन डर्लिन, कितना ऑरिफिस रहेगा? 0.0132 0.030 इंच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ गैस्केट की बात करें, मेड फ्रॉम ब्यूनाइल एंड नियोप्रीन रबर, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील यूज टू होल्ड गैस्केट इन प्लेस, एंड डिप ट्यूब की बात करें पॉलीथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन, जो आपका नॉर्मल डिप ट्यूब मैंने बताया था एक पाइप, और स्प्रिंग की तो बात हो ही चुकी है। इनर डायमीटर इतना है 0.120 to 0.125 इंच, ठीक है। फॉर कैपिलरी डिप ट्यूब इनर डायमीटर जो होगा 0.050 इंच होगा, और फॉर हाईली विस्कस प्रोडक्ट्स इट इज, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पे आ सकता है कि कितना ऑरिफेस किसके लिए होगा, ठीक है। नाउ बात करें मीटरिंग वॉल्व्स की, मीटरिंग वॉल्व्स का अगर मैं आपको एक देख लेता हूँ, पोटेंट मेडिकेशन मीटरिंग वॉल्व, जो भी जैसे आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं और आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसको एक इनहेलर दिया जाता है इस तरीके का, ये माउथ से लिया जाता है, यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये पोटेंट एक अगर इसको प्रेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ से रिलीज होता है, सो हम उसको इनहेल कर लेते हैं, दिस इज योर मीटर्ड वॉल्व, ठीक है। यूज फॉर डिस्पेंसिंग पोटेंट मेडिकेशन, ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चैम्बर हूज साइज डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन डिस्पेंस, कितना एमजी हो सकता है, 50 टू 150 एमजी प्लस माइनस 10%, मींस इंक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। मटेरियल्स कैन बी डिस्पेंस्ड एट वन टाइम विद द यूज ऑफ सच वॉल्व, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मीटरिंग वॉल्व, आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट इज एक्चुएटर, एक्चुएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एक्चुएटर किस चीज से बना होता है। नाउ दिस इज योर एक्चुएटर, एक्चुअली दिस इज योर एक्चुएटर, इसको एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स की बात कर लेते हैं सीधा सा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको दैट दीज आर स्पेशली डिजाइन बटन्स विच हेल्प्स इन डिलीवरिंग द ड्रग इन अ डिजायर्ड फॉर्म, स्प्रे एंड वेट स्ट्रीम फॉर्म एंड सॉलिड स्ट्रीम, पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिलीवर करने के लिए, चाहे वो स्प्रे हुआ, चाहे फॉर्म हुआ, चाहे सॉलिड हुआ, उसको डिलीवर करने के लिए हम एक्चुएटर यूज करते हैं। स्प्रे एक्चुएटर, फॉर्म एक्चुएटर, सॉलिड स्टीम एक्चुएटर एंड स्पेशल एक्चुएटर्स, याद रखिएगा। स्प्रे एक्चुएटर जो आप, मैं डिओड्रेंट की बात करूँ वो आपका स्प्रे एक्चुएटर में बात आता है। फॉर्म एक्चुएटर की बात करूँ आपका शेविंग फॉर्म, जैसे डिटॉल काफी कंपनीज हो चुकी हैं, डिटॉल हो गया है, वो फॉर्मिंग जो फॉर्म रिलीज करते हैं जब आप शेव करते हैं। सॉलिड स्टीम, दीज एक्चुएटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स सच एज ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स को डिलीवर करने के लिए। स्पेशल एक्चुएटर्स, दीज आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर स्पेशल है तो स्पेसिफिक पर्पस से होगा। इट डिलीवर्स द मेडिकमेंट टू द एप्रोप्रिएट साइट ऑफ एक्शन सच एज थ्रोट, नोज, डेंटल एंड आईज, एक पर्टिकुलर जिस, मतलब अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम है तो एक स्पेशल टाइप के एक्चुएटर बनाए जाते हैं उन पर्टिकुलर लोकेशन पर डिलीवर करने के लिए मेडिसिन, ठीक है। ये एक्चुएटर की बात हुई। मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देख लेते हैं, ब्रांड नेम की बात करें, ड्रग की बात करें, यूज की बात करें, फ्लोवेंट डिस्कस होता है, फ्लूटिकेसोन अस्थमा में यूज करते हैं, एडावेर होता है फ्लूटिकेसोन और सालमेट्रोल का अस्थमा में यूज करते हैं, एरोबेड फ्लूनिसोलाइड होता है अस्थमा में यूज करते हैं हम लोग, QR बैक्लोमिथासन होता है अस्थमा में यूज होता है, प्रोवेंटिल एल्ब्यूट्रॉल होता है उसके अंदर ड्रग, और ब्रोंकोस्पाज्म में यूज किया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स हैं, याद रखिएगा, मार्केटेड प्रिपरेशन हैं, आपको हेल्प मिलेगी आगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। सो नाउ In next video, we are going to discuss about the formulations of the and quality controls in second part. Okay, so stay connected and thanks for watching.